नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंदर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल देवेंदर पाल नाम से है जो। और आज मैं वीडियो लेके आया हूँ एक वैक्यूम क्लीनर के बारे में। अक्सर दोस्तों हम कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं एक्सेसरीज़ के लिए अपनी गाड़ी के लिए, जैसे मैं ये वीडियो जो है वैक्यूम क्लीनर के बारे में बता रहा हूँ। तो मैं भी काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था कि कौन सा जो है वैक्यूम क्लीनर लें गाड़ी के लिए, और जो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद कभी अमेज़ॉन पे कभी फ्लिपकार्ट पे कि कौन सा लें, कौन सा, बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी। तो दोस्तों फाइनली मैंने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया और मैं इसको वैसे तो काफ़ी ज़्यादा नहीं एक हफ्ते से ही यूज़ कर रहा हूँ, और वैसे तो मुझे बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट लगा। जैसे इसकी मोटर्स जो है, इसकी मोटर है जो 150 वाट की मोटर है। बाकी मैं आपको इसको खोल करके और जो भी है इस बॉक्स में आपको जो कम्प्लीट सेट मिलेगा उसके बारे में बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं प्रोडक्ट कैसा है। दोस्तों देखिए ये है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। RNG इको ग्रीन करके ये है, और जो सबसे ख़ास जो मुझे चीज़ लगी थी जो इस प्रोडक्ट के लिए मैं क्यों गया हूँ, जो इस प्राइस रेंज में दोस्तों, जैसा कि अभी तक मैंने देखा जो इस प्राइस सेगमेंट में जो है वो 150 वाट की मोटर आपको रेयरली मिलेगी इस प्राइस सेगमेंट में। नॉर्मली जो है 60 वाट और 100 वाट तक तो आपको मिलेगी, लेकिन उनमें उतनी वो बात नहीं है। जैसा मैं ये प्रोडक्ट के बारे में जैसा कि बाहर इसमें दिया है, मैंने इसको चेक भी किया है। मैं आपको आगे वीडियो आप पूरी देखना, वीडियो में मैं आपको बताऊँगा गाड़ी में भी इसका ट्रायल करके। और देखिए चलो देख लेते एक बार प्रोडक्ट देख लेते चेक कर लेते इसके अंदर है क्या। तो जैसा कि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो जैसे ये इसकी असेंबली है, इस तरह से डिसमेंटल हो जाता है। ये इसका फ़िल्टर है, और फ़िल्टर को आप नॉर्मली कैसे भी क्लीन कर सकते हैं, जिस तरह की डस्ट होगी चाहे लिक्विड उसमें है तो ये धोना पड़ेगा आपको। हेपा फिल्टर नाम से ये इसमें ये आपको अवेलेबल है, अमेज़ॉन पर आपको ये हेपा फिल्टर नाम से मिल जाएगा। तकरीबन 200 या 250 के रूप उसमें कीमत है इसकी, और नॉर्मली आप डस्ट इसमें से बाहर कर सकते हैं। इस तरह से इसकी असेंबली है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़े से। और ये इसके अंदर बैठेगा। और जो मैंने मोटर की जो बात की थी, जो विंग्स इसमें हैं, नॉर्मली जो वैक्यूम क्लीनर हैं इस रेंज के उनमें जो ये जो जैसे अगर आप डीपली देखेंगे थोड़ा सा इसमें, तो ये स्टील के हैं। तो जो विंग्स हैं इसके स्टील के हैं, तो नॉर्मली जो दूसरे प्रोडक्ट्स में हैं वो प्लास्टिक के फैंस हैं। तो 150 वाट की इसमें मोटर लगी हुई है और बहुत अच्छा वर्क कर रहा है ये। मैंने इसको गाड़ी पे 2-3 दिनों में, अभी गाड़ी गंदी भी थी, आज तो खैर मैं गाड़ी की सर्विस करवा के लाया, आज तो गाड़ी गंदी है नहीं, बट मैंने इसको 2-3 दिन ट्राई किया और अच्छा रिज़ल्ट है इसके बारे में। देखिए बाकी जो एक्सेसरीज़ है इसकी, ये केबल जो है 5 मीटर की केबल है, और बाकी जो एक्सेसरीज़ है ये जैसे क्लीन करने के लिए भी है, और नॉर्मली कुछ खुरदरी जगहों पे हम इसको यूज़ करके। बाकी जो दूसरा है एक ये आया हुआ साथ में, और जो इस बार जो है इन्होंने जो पिछला मैंने लिया था एक वैक्यूम क्लीनर लिया था पहले, उसमें इस तरह का कोई बैग रखने के लिए ऐसा कुछ था नहीं, बट इन्होंने प्रोवाइड करवाया हुआ है तो ये एक अच्छी बात है। बाकी चलिए दोस्तों फिर गाड़ी के पास मैं आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पे देख लेते हैं कि प्रोडक्ट काम कैसे करता है और थोड़ा सा। तो जैसा कि दोस्तों मैं अभी गाड़ी में आ चुका हूँ और मैंने इसकी प्रोब जो है यहाँ पे लगा दी है। आप देख रहे हैं अभी कितनी फोल्ड है, 5 मीटर की है, डिग्गी तक जाती है ये। और मैंने बोला था जैसे कि मैं आपको गाड़ी के ऊपर ये करके दिखाऊंगा, तो अभी जैसे ये डस्ट आपको दिख रही होगी, अभी मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। और अभी मैं आपको बताऊं कि जो आवाज़ है इसकी बहुत ही माइनर ही सी आवाज़ है, इतनी ज़्यादा कोई आवाज़ नहीं है। और देखेंगे आप ये देखेंगे तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था बहुत ही अच्छी इसकी मोटर है, अच्छे से सर्च कर रही है। आप देख सकते हैं पूरा इसने क्लीन कर दिया है, जितने भी छोटे बड़े पार्टिकल थे सब क्लीन हो चुके हैं इसमें से। और मैंने ये ब्रश वाला इसका यूज़ किया था। और अब मैं आपको इसको डिसअम्बल करके दिखा देता हूँ। ये हमारी मोटर है, ये सेपरेट रहेगी, और इसमें से जो फिल्टर,
जो मैंने बताया था आपको कि नॉर्मली आप इस तरह से इसको क्लीन भी कर सकते हैं। अगर लिक्विड आइटम इसमें से वो की हुई है, आप इसको धो सकते हैं, हेफा फिल्टर मैंने बताया था ये। अगर किसी तरह से ये डैमेज हो जाता है तो ईज़िली अमेज़ॉन पे ये अवेलेबल है। और ये देखिए जो डस्ट मैंने बताई थी आपको, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट ये मुझे लगा। अगर किसी तरह से आपको कोई कन्फ्यूज़न है और कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है इसको लेकर के अभी, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप उस पर पूछ सकते हैं मेरे से, मैं पूरी तरह से हेल्प करूँगा। और दोस्तों जो लास्ट में यही कहूँगा, ये पहली वीडियो है मेरी, अगर किसी तरह से वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगली वीडियो में जल्द ही लेके आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।